महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी, जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दी है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का विकल्प खत्म नहीं हुआ है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को राज्यपाल को विश्वास दिलाना होगा कि उनके पास बहुमत के आंकड़े हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आए थे और बीजेपी शिवसेना के बीच सरकार बनाने को लेकर 50-50 के फार्मूले पर बात बिगड़ गई और सरकार नहीं बन पाई। सीएम पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान मचा रहा। शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र की सियासी भूचाल में सरकार नहीं बन पाई और महाराष्ट्र की जनता को चुनाव इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उनको अपना सीएम नहीं मिल सका। लेकिन सियासी घमासान के बावजूद आज महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।